वेलकम एवरीवन, आई एम हियर विद एमडीके टिप्स एंड ट्रिक्स पार्ट 6। अगर आपने पार्ट 1 to 5 नहीं देखा तो वो प्री मैट की यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, वहां से देख सकते हैं। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर सम टिप्स फॉर फिजिक्स। सबसे पहले आपने अपने लेक्चर्स बहुत ध्यान से लेने हैं। आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हो, मेक श्योर कि आपको वो समझ आ रही है। सेकेंड, आपने फार्मूला शीट बनानी है न्यूमेरिकल्स के लिए। अब जो भी फार्मूलाज पढ़ते जा रहे हो वो आप एक शीट पर लिखते जाओ, एंड जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठे हो तो उस शीट को अपने सामने रखो, आप क्वेश्चन पढ़ो, फिर आप फॉर्मूला शीट में ढूंढो कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। इस तरह आप एक दफा करोगे, दो दफा करोगे, तीन दफा करोगे, लेकिन फोर्थ ट्राई में आपको पता होगा कि ये वाला फॉर्मूला किस टाइप के क्वेश्चन में लग रहा है। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग के प्रैक्टिस प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, बिकॉज एट द टाइम ऑफ एम डी कैट टाइम मैनेजमेंट के इशूज हो जाते हैं, और वो इसलिए होते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही होती है। तो आप न्यूमेरिकल्स की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उनकी आदत होती जाएगी। एंड लास्टली, आपके पास प्री मेड अवेलेबल है तो आप प्री मेड पर पूरी तरीके से रिलाई कर सकते हो फॉर द न्यूमेरिकल्स एंड MCQs, क्योंकि वहाँ हर तरीके के न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं विद एक्सप्लेनेशन। एंड आप जितने आप ज़्यादा MCQs करोगे उतनी ही ज़्यादा आपके चांसेस होंगे कि फिजिक्स के आपके मार्क्स अच्छे आएँ। एंड दैट इज़ इट फॉर MDCAT टिप्स एंड ट्रिक्स पार्ट 6। इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच मोर सच वीडियोज़, कीप फॉलोइंग प्रीमियस यूट्यूब चैनल। And don't forget to like and share. Hope you have a good day.